नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। आज भारत की बातें दुनिया भर में मायने रखती हैं। भारत जो भी बोलता है, जो भी कदम उठाता है, उस पर पूरी दुनिया गौर करती है। बड़े से बड़े देशों के साथ हमारा देश कंधा मिलाकर चल रहा है। हर एक देश भारत से आज जुड़ना चाहता है, रिश्ता मजबूत करना चाहता है। आज वो समय है जब प्रधानमंत्री मोदी को पश्चिमी देश सबसे ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। आधुनिकता की ओर बढ़ते भारत के साथ अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस से लेकर हर बड़ा देश अपने रिश्ते मजबूत करने में लगा हुआ है। इस बीच अब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को अपना दोस्त बताते हुए जमकर तारीफ की। उन्होंने भारत की मेक इन इंडिया पॉलिसी को भी जमकर सराहा। रूस में आयोजित एक आर्थिक सम्मेलन में बोलते हुए पुतिन ने कहा कि हमारे दोस्त भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ साल पहले मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया था। पुतिन ने यूक्रेन युद्ध के कारण रूस पर लगे प्रतिबंधों पर बोलते हुए कहा कि इसका कोई भी असर रूसी बाजार पर नहीं हुआ है। पुतिन ने कहा कि आप जानते हैं कि मेक इन इंडिया का भारत की अर्थव्यवस्था के लिए वास्तव में बहुत लाभकारी योगदान रहा है। पुतिन ने कहा कि जो आविष्कार किया गया है उसकी कॉपी करने में कोई पाप नहीं लगता है, चाहे वो हमने नहीं बल्कि हमारे दोस्तों ने किया हो। ये बहुत अच्छी तरह से काम करता है। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि विदेशी कंपनियों के बाहर निकलने और पश्चिमी प्रतिबंध लगाने के बाद भी रूसी बाजार में गिरावट नहीं हुई। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधों की वजह से या पश्चिमी कंपनियों के अस्तित्व की वजह से दुनिया ढह नहीं गई, बल्कि इससे रूसी उद्यमियों के लिए अवसर कई गुना बढ़ गए हैं। जून की शुरुआत में SPIEF 2023 में बोलते हुए रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि रूस ने किसी के लिए भी दरवाजे बंद नहीं किए हैं। अगर विदेशी कंपनियां देश में लौटने की इच्छुक हैं तो फिर उनका स्वागत है। हालांकि पुतिन ने कहा कि रूस भविष्य में अपने कुछ पश्चिमी साझेदारों के व्यवहार की खासियत को निश्चित रूप से ध्यान में रखेगा। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। रूसी राष्ट्रपति द्वारा मेक इन इंडिया की तारीफ किए जाने पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।